दोस्तों, हर एक कबूतरबाज के साथ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि मेरे इस कबूतर के बच्चे को हुआ है। और वैसे भाई, दिन में या रात में कभी भी ये समस्या आ सकती है। तो ये देखिए, ये कबूतर के बच्चे के ये पैर के नीचे ये हवा भर गई है और ये सूज गया है। तो ये क्या बीमारी है? बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अब क्या होगा, कबूतर या कबूतर का बच्चा ये मर तो नहीं जाएगा, और इसका क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है या फिर इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। और मेरे बहुत सारे भाइयों की कमेंट भी आती थी, कोई वीडियो पहुंचाते थे कि भाई ये ऐसे हो गया है, ये देखिए ऐसी हवा भर चुकी है, तो इसका क्या करें। तो भाई, मैं इसका आज आपको बहुत ही अच्छा और सरल उपाय बताता हूँ। एक मिनट की वीडियो में आपको मैं ये बता दूँगा कि करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है भाई? ये मोबाइल। तो भाई, आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं से काटा, जो बबूल का हो या किसी भी चीज़ का, अगर आपको काटा मिलता है, ठीक है, तो ये काटा आपको ले लेना है। अब ये होता किस कारण से है भाई? कोई जहरीला कीड़ा अगर आपके कबूतर या कबूतर के बच्चों को काट लेता है तो ये सिचुएशन आ जाती है। इसके अंदर हवा भरी रहेगी, ठीक है। इसकी बजाय अगर आप सुई लेते हैं, अल्पिन लेते हैं या कोई भी ऐसे लोहे की धातु या कुछ भी लेते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने का 100% खतरा रहता है। आपके कबूतर को इन्फेक्शन हो सकता है। मगर ये जो काटा होता है ये प्राकृतिक होता है, प्रकृति में आपके कबूतर के बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई? ये दिखाओ, ये जो इसकी बारीक झिल्ली है, और इसको कुछ नहीं करना है भाई, हल्का सा काटे से आपको होल कर देना है, ठीक है भाई? होल करने के बाद ये हवा ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ये देखिए, मैंने होल कर दिया और ये आपके सामने मैंने इसको दबा दिया, होल कर दिया और बिल्कुल मैंने ये दबा दिया। अब दबाने के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी हवा है पूरी, मैं इसको चारों तरफ से दबाकर ये बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है? आप भी ऐसा ही करें, पूरा पाँव ऐसे बिल्कुल। अब आपको दिखेगा कि ये कबूतर में कभी भी कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, और ये कबूतर को ऐसे पकड़ के आप दबा दें। अब ये आपको जो दिख रहा था कहीं से कहीं तक नहीं, ये कांटे की बस हल्की सी नोक लगानी है। तो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।